अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये मक्के से ताइफ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये आज के दौर का रास्ता है। आज हमारा ताइफ़ का सफ़र है जो एक तारीख़ी हैसियत रखता है, इसकी एक अपनी तारीख़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीख़ी सफ़र वहाँ पर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया तो आपने मक्का और मक्के के अतराफ़ में बहुत मेहनत की, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। इस दौरान में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई गई, आपको सताया गया, ताने तंज और मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले आपके शान में कहकर गुस्ताखी की गई, यहाँ तक कि आपके रास्ते में गंदगी और गिराजत डाली जाती, कभी आपके घर में जाकर कुछ गिलाजत कर दी जाती। गर्ज ये कि उनकी ये कोशिश रहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया जाए कि वो ये अल्लाह के पैगाम से दूर हो जाएं और ये अल्लाह की दावत वाला काम, इस काम से वो रुक जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 10 साल मेहनत की और नबुव्वत का 10वां साल था और इस दौरान में मुख्तलिफ़ तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें इन्हें दी गई। 3 साल तक इनका मुहासिरा किया गया, बायकाट किया गया, शोबे आबे तालीम में ईमान वालों को बंद कर दिया गया और सोशल बायकाट उनका किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। फिर उसी दौरान में हबशा की तरफ हिजरत भी हुई, वो भी कुर्बानी सहाबे किराम ने दी। गर्ज ये कि तकलीफ़ देने में मुशरिकीन मक्का कोई कसर नहीं छोड़ते थे और इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि ये मक्के वाले बड़े सख्त दिल हैं और इन पर जो है किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा है, क्यों ना मक्के के अतराफ़ के बस्तियों का रुख किया जाए और वहाँ पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए। लिहाजा आपने सबसे पहला सफ़र यानी नबुव्वत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का सबसे पहला सफ़र जो किया, उस सफ़र के लिए जिस मकाम का इंतखाब किया वो ताइफ़ है। अभी आप जो देख रहे हैं ये ताइफ़ का ही रास्ता है और हम ताइफ़ की तरफ अभी चल रहे हैं। ये रास्ते भी आपको बताने का मकसद ये है कि ये वसी और कुशादा सड़कें देखिए आप, साफ़ सुथरा रास्ता देखिए आप और एयर कंडीशन बसें और कारें यहाँ पर चलती है, बिल्कुल आरामदेह सफ़र है। गर्मी से भी यहाँ पर इंसान बच रहा है, धूप से भी बच रहा है और इन्हें पैदल भी नहीं चलना है, बिल्कुल आरामदेह सफ़र है। मेरे अजीज दोस्तों, हम थोड़ा माजी की तरफ चले जाएं, दौरे नबुव्वत को थोड़ा हम याद करें तो उस वक्त ये रास्तों की सहूलत तो थी ही नहीं बल्कि उसका तसव्वुर भी नहीं था। पहाड़ी रास्ते और उन पुरख़तर रास्तों से आपको जाना था, उन नोकेले पहाड़ों के दरमियान में से आपको जाना था और मक्के से ताइफ़ कमोवेश 100 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए आप कि उस दौरान में आपने किताबों में आता है कि आपने वो सफ़र पैदल सफ़र किया था और आपके सफ़र के साथी थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
आप हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्के से ताइफ़ की तरफ रवाना हुए। आज हम आरामदेह बसों में और गाड़ियों में बैठकर ये सोचते हैं और बल्कि हम कहते हैं कि बहुत दूर हो गया, काफ़ी तकलीफ़ हो गई। तो अभी तो हमारे साथ गाड़ी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, हर चीज़ की सहूलत मैसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम सहूलतें से बहुत दूर थे आप, और दिल में एक जज्बा था, एक दाइया था कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के भटके हुए बंदों तक ये पहुँचाया जाए। तो चुनांचे आपने ताइफ का रुख किया। इन रास्तों को भी आप देखते जाइए, देखते चलिए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ताइफ़ को भी आप याद कीजिए कि वो रास्ता कैसे था। उन रास्तों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल सफ़र किया था। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ पहुँचे तो वहाँ पर आप तकरीबन 10 दिन आपका क़याम रहा, और उन 10 दिनों में आपने हर मुमकिन कोशिश की कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए, एक खुदा की उन्हें दावत दें, अपने नबी होने की उन्हें दावत दें, वहदानियत और रिसालत का ये पैगाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ की तरफ रवा दवा थे, और ताइफ़ की तरफ आप पहुँचे, और वहाँ पर जिस किसी के पास भी आपने दावत पहुँचाई तो सभी ने जो है आपकी दावत को ठुकराया। आप सरदारान कुरैश जो बनू सकीफ़ के सरदार थे, आप उनके पास पहुँचे ये उम्मीद लेकर कि ये जो है बाअसर कबीला है, ये अगर ईमान ले आएंगे और ये अल्लाह को पहचानेंगे और मेरी नबूवत का इकरार करेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम और आसान होगा और ये भटके हुए बंदे अल्लाह के करीब आ जाएंगे। ये सोचकर बनू सकीफ़ के सरदारों के पास जब आप तशरीफ़ ले गए तो उन लोगों ने आपके इकराम तो दूर की बात है बल्कि आपके साथ बदतमीज़ी की, आपके साथ नारवा सलूक किया, और सारी हदें उन्होंने पार कर दी। शहर के आवारा और अवबाश लड़कों को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो बच्चे जो है उल्टी सीधी बातें करते और नारे लगाते और फिर जो है आप पर पथराव करते। पथराव इस तरह से किए गए कि उन पत्थरों से जब पत्थर आप पर बरसाए जाते तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको बचाने के लिए, वो पत्थर कभी आपके पत्थरों से बचाने के लिए कभी आपके दाएं जानिब हो जाते, कभी आपके बाएं जानिब हो जाते, कभी आपके आगे और कभी आपके पीछे हो जाते, लेकिन वो पत्थरों के चलने का सिलसिला कभी ना होता, बल्कि ऐसा भी होता कि जब आप ज़ख्मों से चूर हो जाते और थक जाते और नीचे बैठ जाते, ये जालिम और बदबख्त जो है वो आकर आपको आपके बगलों में हाथ देकर आपको फिर खड़ा करते और फिर चलने पर मजबूर करते। इतने पत्थर बरसाए गए कि आप लहू लहान हो गए, आपका सर से और जिस्म से खून निकला तो आपकी जूतियां खून के अंदर भर गई, फिर आप एक जगह बेहोश हो गए। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको उठाया और एक जगह जहाँ पर पानी था आपको लिटाया, आपके पहाड़ की दामन में आपको लिटाया, आपके ज़ख्मों को साफ़ किया, पानी से आपके चेहरे को साफ़ किया, और फिर उसके बाद हसरत भरी नज़रों से आपको देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आराम महसूस करने लगे, आसमान की तरफ सर उठाया तो बादल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नज़र आए, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मालिकुल जिबाल यानी पहाड़ों के फरिश्ते को मेरे साथ भेजा है, ये आप जो कहेंगे आपकी बात पर ये अमल करेंगे। फरिश्ते ने कहा कि आप हुकुम करें तो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान जो बस्ती है, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान मैं इन बस्ती को पीस डालूँगा, इनका नामो निशान मैं मिटा दूँगा। और मुख्तलिफ तरीक़े से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्ते ने आपके सामने कहा कि अल्लाह ने यह पैगाम दिया है, लेकिन आपने आसमान की तरफ सर उठाया और मान जाइए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने सर उठाया और कहा कि अल्लाहुम्मा एहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून,
कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते हैं। आपने फरमाया कि ऐ जिब्रील अमीन, ये लोग नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इनकी आने वाली नस्लों से उम्मीद है, वो यकीनन मुझ पर ईमान लाएंगे, अल्लाह पर वो ईमान लाएंगे। लिहाजा आपने उन लोगों के लिए हिदायत की दुआ मांगी। फिर वहाँ से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और आपको एक अंगूर का बाग था वहाँ पर, गालिबन उतबा और शैबा ये उस बाग के मालिक थे, मालिक के बेटे थे, ये बाग में थे। आपने जब बाग में आपको लिटाया तो इन दो सरदारों को थोड़ा सा ये हुआ कि चलो भाई ये हमारे पास आए हैं, और इनके जो साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया, तो आपने अंगूर का एक खोशा अपने ग़ुलाम जिनका नाम अद्दास था, हज़रत अद्दास के साथ वो अंगूर देकर भेजा कि जाओ उन्हें पेश करो। हज़रत अद्दास ने, वो जो ग़ुलाम थे बच्चे थे, वो अंगूर लेकर जब उनके पास आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो आप थके हुए थे, भूखे थे, तो आपने वो अंगूर को उठाया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत अद्दास कहने लगे कि भाई ये ऐसे जुमले तो ये कुरैश नहीं कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के हो? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं जो है मसीही हूँ। तो फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हो? तो हज़रत अद्दास ने कहा कि हाँ जानता हूँ, आप कैसा जानते हैं? कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं और मैं उनका भाई हूँ, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। और जब आपने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन हाथ पकड़ा और आप पर ईमान ले आए। इतनी कोशिश और मेहनत के बाद एक ग़ुलाम, एक बच्चा ईमान लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह का सुकून हुआ। तो मेरे दोस्तों, ताइफ का आपका पहला सफ़र था और वहाँ पर आपके साथ ये नारवा सलूक किया गया, बदतमीज़ी की गई, बद अखलाक़ी की हदों को उन्होंने पार कर दिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बददुआ नहीं मांगी बल्कि उनके लिए दुआएं मांगी है। और आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ। लाखों दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद।